नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। गठिया में जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न, ये एक बहुत मेजर सिम्टम्स हैं। गठिया जिनको भी होता है, जिसे इंग्लिश में गाउटी आर्थराइटिस भी कहा जाता है, गाउट भी कहा जाता है, ये अक्सर हमारे खाने पीने की लापरवाही से कई बार बहुत ज़्यादा उत्तेजित होकर के जोड़ों में इतना ज़्यादा सूजन और दर्द पैदा कर देती है कि कई बार तो हर काम को छोड़ करके बिस्तर में पड़े रहना पड़ता है काफ़ी दिनों तक, और बदहाल ज़िंदगी गुजारना पड़ता है। तो आज मैं गठिया में कुछ ऐसे नेचुरल टिप्स आपको शेयर करूँगा जिनको आप अपने गठिया की स्थिति को निवारण करने के लिए, ठीक करने के लिए अगर अप्लाई करें, प्रयोग करें तो काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा होगा। इस वीडियो को स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फ्रेंड को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को संपूर्ण देखें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपके सवाल और सुझाव को कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख करके भेजें। अक्सर जिसे दर्द होता है उसे ही इसका एहसास होता है। दिखने वाले को भले ही ठीक ठाक लगे, लेकिन गठिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर के अलग अलग जोड़ों पर कई बार बहुत तीव्र दर्द, सूजन, लालपन और जकड़न अकड़न की स्थिति, स्टिफनेस की स्थिति पैदा हो जाती है, और कई बार तो इतना तेज़ दर्द होने लगता है कि पेशेंट जो है बिल्कुल उसके आंखों से आंसू निकल जाएंगे। तो कुछ ऐसे अपने लाइफ में कुछ ऐसे प्रयोग आप कर सकते हैं जो आपको ज़रूर फ़ायदा देंगे। उन्हीं प्रयोगों के बारे में मैं बात करूँगा जो गाउट, गठिया में पेन को रिलीफ करने के लिए, दर्द को निवारण करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सबसे पहली चीज़ है, अगर आपको पता लगा है कि आपकी यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा है और आपको गठिया का दोष हो गया है और आपको दर्द और सूजन है, आप पानी की मात्रा भरपूर लें, प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। पानी ही एक ऐसा माध्यम है जो किडनी के अतिरिक्त यूरिक एसिड को पेशाब के माध्यम से शरीर से बाहर करेगा। शरीर के जिन जोड़ों पर दर्द है, सूजन है, आप वहाँ पर आइस पैक का यूज़ कर सकते हैं, आइस पैक को रब कर सकते हैं, जहाँ पर आपको दर्द है उसमें काफ़ी आराम मिलेगा। जिनको गठिया का समय समय पर खान पान ठीक न रखने के वजह से अचानक इस प्रकार से दर्द सूजन आ जाता है, अक्सर वो तनावग्रसित हो जाते हैं पेशेंट। जितना स्ट्रेस लेंगे उतना ही लंबा टाइम लगेगा रिकवरी होने के लिए। तनाव से बचने का प्रयास कीजिए, स्ट्रेस ना रखें, बेहतर है आप बिस्तर में अगर हैं, बेड पे हैं तो बेड पे ही कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन का सहारा ले। स्ट्रेस को जितना जल्दी दूर कर पाएंगे उतना जल्दी आप रिकवर कर पाएंगे। जिन स्थानों पर दर्द है, चाहे पैर हो या पैर की उंगलियाँ हो या कलाई हो, उन अंगों को जहाँ पर दर्द और सूजन है उसको थोड़ा ऊंचाई पे रखें, एलिवेट करके रखें उसको। आप ऊंचाई पे रखेंगे तो ब्लड सर्कुलेटरी प्रोसेस जो है अच्छे से चल पाएगा और आपका सूजन जल्दी से जल्दी ठीक हो पाएगा। कई बार पेशेंट्स को दर्द की स्थिति में ओवर द काउंटर पेन किलर्स लेने पड़ते हैं, तो आप ले सकते हैं। बेहतर है अगर गठिया जैसी स्थिति आपको बना हुआ है तो आप अपने नज़दीक के अच्छे होम्योपैथी या आयुर्वेद का सपोर्ट लें, उनमें यूरिक एसिड को निष्कासित करके पूरी तरह से गठिया मुक्त करने की दवाइयाँ मौजूद है, आपको लेना चाहिए। कॉफ़ी का आप सपोर्ट ले सकते हैं, कॉफ़ी लेने से पेन से फाइट करने का जो आपके अंदर इम्यूनिटी वो डेवलप होता है, तो कॉफ़ी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइट को बैलेंस्ड रखिए, ओवरवेट वाली डाइट, ज़्यादा फैटी चीज़, रेड मीट वगैरह का प्रयोग ना करें। एक्सेस प्रोटीन लेंगे तब भी जो है जोड़ों पर दर्द सूजन ज़्यादा रहेगा। लेमन वाटर का प्रयोग कर सकते हैं, नींबू पानी बहुत हेल्पफुल है एक्स्ट्रा यूरिक एसिड को पेशाब के द्वारा बाहर करने के लिए, तो लेमन वाटर का प्रयोग आप रोज़ाना कर सकते हैं अगर यूरिक एसिड आपका ज़्यादा मात्रा में है। अल्कोहल को टोटली स्टॉप कर दीजिए। कई लोग आपको गलत सुझाव देते रहते हैं कि दर्द है तो दो पेग पी लो तो आपको आराम पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अल्कोहल से आपको नुकसान होगा, और बियर तो पीना ही नहीं चाहिए क्योंकि बियर में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्यूरिंस रहता है। जिन सब्जियों में, फलों में ज़्यादा मात्रा में प्यूरिंस है उनको वर्जित करना चाहिए, जैसे पालक हो गया, फूल गोभी हो गया, मटर हो गया, रेड मीट है, दूध, कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं
जिनको आपको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, उसमें बियर भी शामिल है। प्यूरिन रिच फूड के बजाय आप कोशिश कीजिए एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट को शामिल करने के लिए, जिसमें आप पत्तेदार सब्जियां, फल फ्रूट नॉर्मली ले सकते हैं। और कोशिश कीजिए, अगर आप चिकन और मटन त्याग सकते हैं तो ज़्यादा बेटर है, और रेड मीट तो बिल्कुल ही ना खाएं। अगर आप इन बताए गए तरीके से, उपचार के माध्यम से अगर चलते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा और बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे, और आपको लंबे समय तक बेड रेस्ट या घर पे पड़ा रहना नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसी प्रकार की कोई भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी या चिकित्सा हेतु प्रत्यक्ष मिलने के लिए मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।